हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरी बेटी डर गई थी। तो मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसका पर्पस मेरा अब ऐसा ही है कि मैं सोच कि इसके साथ मेरा दिन कैसा गुजर रहा है। क्योंकि मैं ना जब ये पैदा हुई थी तो मुझे ऐसा लगा वो सबसे मुश्किल वक्त है मेरे लिए, बहुत मुश्किल वक्त है। बीत जाएगा, 3-4 महीने की हो जाएगी, मेरी हालत अच्छी हो जाएगी ना, तो मेरी बेटी ना बड़ी हो गई तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज मैं दुखी होगी, बिल्कुल दुखी। दुखी होने का रीजन बताऊं, रात के 10 बज रहे हैं। आप देखो मेरा बिस्तर है जो फिलहाल एक ही बेड है मेरे पास, तो इसकी हालत देखो, कपड़े यहाँ पड़े हैं, टप में कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, और ये कुर्सी के ऊपर कपड़े पड़े हैं, और ये बंदी गोद से उतरने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने सुबह से खाना नहीं खा रखा है, मैं बिल्कुल भूखी हूँ इस टाइम, और मुझे इतनी गंदी वाली भूख लग रही है कि मैं थक गई हूँ उसको संभाल के, कि मतलब ये थोड़ी देर सो जाए, डायपर हाथ में लेके बैठो कि चलो इसे पहना देती हूँ और इसके बाद ये सो जाएगी, पर ये नीचे उतरने को तैयार नहीं है। गुनगुन नीचे उतर, ठीक है, सो जा मेरा बच्चा, ले, ले। सो जा, भाई यार, मतलब कौन कहता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी सही हो जाएगी, मेरी तो हुई नहीं। इतनी गंदी वाली भूख लग रही है, अभी कंधे से उतरे, अभी बड़ी हो गई है ना, तो मतलब मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको गोद में लेके ना खाना बनाने में, ये बिल्कुल नहीं मान रही, और मुझे लग रही है इस टाइम भूख बहुत जोर की भूख लग रही है। तो मैं बना रही हूँ खाना, जा रही हूँ बनाने, मतलब कोशिश करते हो एक हाथ से, तो चलो आप भी देख लो कैसे बना रही हूँ। फिलहाल तो मैं इसको डायपर बना देती हूँ। क्यों रो रही है, ले आ जाओ, ओ मेरा बेबी आ जा ना, ले क्या हो गया तुझे, अभी तो बस नीचे रखा है इसमें, ये हाल है इसका, और आपको पता है ये सुबह से ऐसे ही कर रही है आज। अरे मत रो मत रो मत रो मत रो, ओ क्या हुआ, निंदू आ रही मेरे बच्चे को। ज्यादातर जब बेबी को नींद आती है ना तब बच्चे ऐसे करते हैं, पर मेरी बेटी ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना मुझे बहुत परेशान करने लगी है। पर सच बताओ मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है मैंने, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि आपको पता मैं पूरे घर में अकेली हूँ, मैं और मेरी बेटी। सुबह से भूखी हूँ मैं, सुबह से। अब ये बात मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि यार मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं जा रही हूँ किचन में इसको लेके, बस कैमरे में यूं ही देखना होता है इसको, और मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बनाना है खाना। और ये देखो प्याज काटने बैठी हूँ, इसको 2-3 बार सुला के दूध पिलाया मैंने सुबह से इसको, कि सो जा, चल सो जाएगी। आधा घंटा सोई थी, पड़ोस में आंटी आ गई थी, उनसे बात करते हुए ये उठ गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चे पालना यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चे ना हो तो टेंशन होती है, बच्चे हो जाए तो टेंशन होती है कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, कब करोगी बच्चे, कि हो जाना चाहिए, पर कहां से वो करूं मैं बच्चे, बच्चे कल्या से कौन संभालने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा संभालने। ये मेरी फ्रस्ट्रेशन, ये 2 प्याज काटूंगी, सुबह से कुछ बनाया नहीं, ये मेरा डोलू, इसमें दूध लेके आई थी मैं शाम को, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है मैं शाम को दूध लेने जाती हूँ, बस रात के 10 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी फ्रस्ट्रेट होके। ये पूरे 4 महीने में ना, ये आज मेरा 5वां ऐसा दिन है जो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। ये देखो इसका बेड लगा रखा मैंने यहाँ पे स्पेस बना के, ताकि सो जाए या इसको मेरा चेहरा देखते रहे, तो मैं देख तो रही है कैमरों में, तो मैं जा थोड़ा सा खाना खाऊं। गुनगुन सो जा यहाँ पे, सो जा बैठ, अच्छा बैठ जा, बैठ जा नीचे, बैठ नीचे बैठ बेटा, सो जा, मम्मा को भूखू लग रही है, बहुत भूखू। आज मुझे खाना बनाने नहीं देगी,
सच में यार खुंडा खा रहा है मुझे अब भाई। जिंदगी इतनी टफ है ना, मतलब इतनी टफ होती आती है कभी कभी ना, सब कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी ना, जब जिंदगी, मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक किसी को कुछ नहीं शिकायतें कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, रोना आ जाता है कसम से। मुझे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम। ये है मेरा स्ट्रगल, ये भिंडी पड़ी है मेरे पास 3 दिन से, 3 दिन से भिंडी पड़ी है, पर मैं तो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। सबने अपना वजन कम कर लिया है और मेरे से तो अभी यही नहीं हो रहा है, कैसे बनाऊं कैसे खाऊं। कंटिन्यू ना मेरे साथ ऐसी रहेगी गोद में, और जब तक मैं सब्जियां काटूंगी ना मुझे ऐसी देखती रहेगी ना, मेरी जो मैं काटूंगी मैं कुछ भी करूंगी ना, बस मुझे घूरती रहेगी। पता नहीं आप लोगों के बच्चे भी इतना परेशान करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे अपने बच्चे से दिक्कत नहीं है, मेरे को ना बिना किसी हेल्प के ना, मतलब किसी भी तरह की मुझे कोई हेल्प नहीं है। और वैसे भी अगर आप घर पे कोई हेल्प रखी हुई लो तो भी रात के 10 बजे कौन आपकी हेल्प करेगा। मेरे को ना किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब किसी भी चीज के लिए नहीं, मतलब मैं अपना ध्यान ही नहीं रख पा रही हूँ कि अपना वजन कहाँ से कम करूँ। फिर भी मेरा ना 3 किलो वेट कम हो गया भूखे रहने की वजह से। फ्रस्ट्रेशन देख रहा है, मेरी किचन दिख रहा है आपको। ये भी मैंने शाम को 7 बजे, मतलब मैं सुबह 11 बजे उठी थी और शाम को 7 बजे जाके मैंने एक पूरा किचन साफ किया है, वो भी इसको आधा रोते हुए छोड़ के। मैं बनाऊंगी भिंडी, रोटी बनाने का सोचा था पर रोटी बना नहीं सकती क्योंकि ये बनाने नहीं देगी। एक हाथ से एक आटा कैसे गूंदू या चीजें कैसे करूं, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर नीचे रुक भी जाए तो चलो बना भी लो आप। सुबह से अब बन रहा है मेरे किचन में खाना, मतलब अभी इस वक्त बन रहा है। बैठेगी नीचे, नीचे बैठेगी, कैसा लग रहा है हम दोनों के दोनों पागल बाल। जो एक उनके बैठ जा, और ये भूखी नहीं है, इसे जस्ट मैंने अभी 15 मिनट पहले खाना खिलाया, मतलब दूध पिला के फ्रस्ट्रेट होके फिर मैंने ये वीडियो शुरू करी थी रिकॉर्डिंग। थोड़ी देर के लिए तो ये शांत है, तब जब तक ये शांत है तब तक मैं कुछ बना लूं अपने लिए खाने को। जब तक मैंने वो दाल और चावल गैस पर रखे है ना, यहाँ मेरे बेटे ने रो रो के बेहाल हो गई है। अब रो रो, आप आंसू देखो उसके, 10:30 बज रहे हो। बच्चा चेहरा दिखा, चेहरा दिखा, ये देखो कितना रो रो के बेहाल कर दिया उसने अपने आप को। मतलब मैंने ना जबरदस्ती उसको 5 मिनट के लिए ना रोने के लिए छोड़ दिया और फटाफट दाल और चावल चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट इसको ना गोद में ले लूंगी। 5 मिनट रोई और 5 मिनट में उसने अपने मुंह का ये हाल कर दिया। भाई कौन अपनी माँ अपने बच्चों को ऐसे रोते हुए देख सकती है, कौन देख सकती है। करना पड़ता है, मुझे बहुत गंदी भूख लग रही है भाई। मेरे को खाने का भी टाइम नहीं मिलता। अब जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा मैं ना अकेले ही अपना बेबी संभाल रही हूँ, मतलब एक बच्चे के साथ ना कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। पूरे इतने बड़े घर में हम दोनों माँ बेटे बस घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, पागलों की तरह घूमते रहते हैं। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मेरी बेटी ऐसी देखती है। 11 बज चुके हैं और मेरा खाना, मैंने अब भी सीटी बंद करी जल्दी से, मतलब भाग कर मैं जैसे बंद करने आई मेरी बेटी को उठ गई। दूध पिलाते पिलाते थोड़ी देर के लिए सो गई थी। किस्मत ही झंड हो रही मेरी इस टाइम। ये भिंडी बची है, मैं सिर्फ दाल चावल बनाए हैं अभी। एक हाथ से ना बच्चा संभालना, घर का काम करना सीरियसली बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसे ना किचन में लाने में भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको थोड़ी सी चोट वगैरह लग जाए। एक तो गर्मी बहुत है, इससे गर्मी बर्दाश्त होती नहीं, और डर लगता है कि कुछ मैं कर ना दूं, जैसे पका हुआ तेल वगैरह या ना ऐसी छोटी छोटी चीजें, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे ये कद्दू लिए ना मुझे 5 हफ्ता हो गया, खराब हो जाएगा ये। अभी तक तो मुझे इसे बनाने का टाइम नहीं मिला, इसे पकने में टाइम लगेगा। सोएगी सोएगी, मतलब इसका टाइम हो गया सोने का,
तो थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे लड़के ना दिन में नहीं सोती है, मतलब जब तक मैं जगी रहूंगी तब तक ये सोएगी नहीं। इसको आदत है मेरे से चिपक कर सोने की। भिंडी पकने में ज्यादा टाइम तो नहीं लेती है, पर पता नहीं कैसी बनेगी आज का खाना मेरा, कैसा बनेगा। तो जा रही हूँ लेट में, इसको सुलाऊंगी। और पूरे के पूरे 11 बज चुके हैं इस टाइम, मतलब मुझे लगभग 11:30 बज जाएंगे खाना खाते खाते। ऐसे ही से बेड पे रखा, उठ गई है। क्यों उठी तू तो? नींद नहीं आ रही? सो जाएगा ना, नींद नहीं आ रही? जल्दबाजी में मैंने ना चावल भी जला दिए और अब मुझे जले हुए चावल खाने पड़ेंगे। तेरी वजह से ना मम्मा को जले हुए चावल खाने पड़ेंगे। उंगली डाल रही है मुंह में। अब मुझे ना ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। ये देखो थाली यहाँ पड़ी है मेरी और मैं यहाँ पे हूँ और ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। यही है, जब ये ज्यादा रोती है तो मुझे इसे ऐसे गोद में लेना पड़ता है, क्योंकि ये सोई नहीं है ना। नहीं सोया ना गुनगुन मेरा बच्चा? 11 बज रहे हैं और 11:30 बज जाते हैं अगर मैं इसको ढंग से पकाती तो। आधा कच्चा खाना है, कोई बात नहीं, खाना ही पड़ेगा। तो मिलते हो आपको नई वीडियो में, तब तक ले बाय।